और आज की एक बड़ी खबर, बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। 2016 के पहले के मामलों में नया कानून लागू नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया गया है। संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा का कानून भी निरस्त कर दिया गया है। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट से सीधे उनका रुख करते हैं। पीयूष, बड़ी खबर है, बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा का जो कानून था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जी बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 और 2016 के जो संशोधन थे उनको असंवैधानिक करार दिया। उसका बेसिकली रीजन ये था कि वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होते थे, यानी कि अगर क्लाइंट किसी ने 10 साल पहले किया है और कानून आज बना है तो वो कानून जो है पिछले अपराध पर भी, मतलब पहले किए गए अपराध पर भी लागू होता था। जबकि आपराधिक कानून जो मौजूदा स्थिति है या फिर भविष्य में जो होने वाले क्राइम है उनके बेसिस पर लागू किया जाता है, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये ऐसे कानून लागू नहीं होते हैं। जी समीर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए।